छोटा सा सवाल है, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि ट्रेनों में दिव्यांगों के लिए जगह नहीं है, सीट नहीं है जी सर, लेकिन अभी हम लोग जाते रहते हैं तो ट्रेनों में दिव्यांगों के लिए सीट दे रखी है, तो उस वक्त में आप क्या कह सकते हैं? सर मैं यही बता रहा हूँ कि दिव्यांगों के लिए सीट दे रखी है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी भी योजनाएं हैं, एक सीट की बात नहीं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो फाइलों में पड़ी है दफ्तरों में, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है। जब दिव्यांग खुद चलने फिरने में कैपेबल नहीं है तो कैसे जा जाके उस फाइलों को बाहर निकालेगा? आप समझो, दिव्यांग की सीट है, पर क्या आप जानते हो कि ट्रेन में चढ़ने के बाद हमारी सीट पे जो बंदा बैठा है वो खड़ा होकर हमें सीट दे देता है? क्या ऐसा कोई रूल्स है? इसीलिए हमने दिव्यांग कार्ड की मांग की है कि हमारा दिव्यांग कार्ड दिखाए कि सर आई एम द दिव्यांग, प्लीज गिव मी माय सीट, तो रिस्पेक्ट से खड़ा हो जाएगा। आप समझो बात को, अदरवाइज अरे भाई चल बैठ साइड पे, आप समझ लो बात को, ये होता है। हम ये नहीं कर, और मैंने ऐसे भी दिव्यांग देखे हैं जो खुद नीचे बैठ जाते हैं और बहनों को ऊपर बिठाते हैं। हमारे में इतनी सेवा है, सेवा की भावना है, तो सरकार हमारे प्रति थोड़ी नजरिया थोड़ा बदले और हमें राइट्स दे, हमारे अधिकार को। क्यों हम किसी एससी एसटी को, आपने, हम कोई ब्लेम नहीं कर रहे किसी पब्लिक पे, पर आप समझो कि आप उनको कुछ कह दो, उनके अधिकार की थोड़ी सी भी छीनने की बात कर लो, आप समझो बात को, तो हंगामा होता है कि नहीं होता है? तो हम भी कोई कम तो नहीं। और सर जिस तरीके से अभी कई दिव्यांगों के गले में कार्ड हम लोग देखते हैं, वो कार्ड किस तरीके के होते हैं सर? हाँ जी सर, जिस तरीके के कार्ड हम लोग गले में देखते हैं दिव्यांगों के, स्टेशनों पे जाते हैं तो उनके गले में कार्ड होता है, तो वो कार्ड किस तरीके का होता है? सर वो कार्ड सरकार ने अभी रिसेंटली यूडीआईडी ऐसा कुछ कार्ड की डिमांड की, पर मैं बताऊं कि वो कार्ड बनाने जाते हैं दिव्यांग तो बड़ी दिक्कत होती है, उनसे बोला जाता है कि ये लेके आओ ये लेके आओ। यदि भारत सरकार आधार कार्ड बनाने की मुहिम चला सकती है, आप समझो बात को, कि घर घर जाके लोगों का आधार कार्ड बनवा सकती है, तो क्या घर घर जाके आप दिव्यांगों का दिव्यांग कार्ड नहीं बना सकते? दिव्यांग कार्ड बनाइए, उस कार्ड के अंदर आप ऐसी स्पेसिफिक चिप्स डालिए, उसमें हमारे चार मांगे ऐड कीजिए कि वो कार्ड दिखाए तो उसको कोई फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रेन में बैठ सकता है, उसे टिकट लेने की जरूरत नहीं है। आप समझो बात को, अब ये तो हम कह नहीं रहे कि एक साथ 1,00,000 दिव्यांग ट्रेन में चढ़ जाएंगे आपका मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, नहीं, और चढ़ भी जाएंगे तो आम जनता है हम, आप समझो, हम उस टाइम में ये नहीं कहेंगे कि हमें ही ये सब सीटें दे दो, आप समझो, पर वो दिव्यांग कार्ड से क्या उसे धक्के ना खाने पड़े। धक्के खाने में बड़ी दिक्कत होती है, मैं आपको बार बार बताऊं, आपने भी रोड पे किसी दिव्यांग को चलते हुए देखा होगा, आपको खुद को भी दया आती होगी, बराबर, तो आप दया के साथ साथ थोड़ा सहयोग भी करें। जी बिल्कुल, आपके साथ जुड़ने के लिए कोई दिव्यांग आपके साथ जुड़ना चाहता है उसकी प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? हम कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमको ये पार्टी और पक्ष नहीं है हमारा, हम हमारे अधिकारों की लड़ाई कर रहे हैं। बहुत ही इजीली प्रोसीजर है, भारतीय दिव्यांग संगठन का पेज है, उस पे आप जाके सिर्फ लाइक करोगे तो आपसे सिर्फ आपका मोबाइल नंबर और आपका नाम मांगा जाएगा। और नॉन लिटरेट है तो वो कहां से आपके ऐप को या आपके? जी सर, तो नॉन लिटरेट है तो जैसे अंधे को हाथ पकड़ के हम रोड क्रॉस करा सकते हैं। नहीं, आपका ऑफिस एड्रेस है दिल्ली में? हमारा ऑफिस एड्रेस दिल्ली में नहीं है, हमारा ऑफिस एड्रेस गुजरात में है, जो हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। अच्छा। और सेकंड थिंग ये है कि ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी 10 तारीख को शायद इलेक्शन की डेट जाहिर होने वाली है, इसलिए हमने सभा की डेट जाहिर नहीं की है, पर ये मांगे सरकार तक जल्दी पहुंच जाए तो बढ़िया है, वरना हम 20 दिन के अंदर दिल्ली में सभा भी करेंगे। यदि सरकार को समझ नहीं आ रही है तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम सारे देश के दिव्यांगों को जितने भी आएंगे दिल्ली में ला देंगे, फिर उनका मैनेजमेंट और उनको कैसे कंट्रोल करना है उनकी सुविधा का, वो सरकार का जिम्मेदारी हमारा नहीं है। एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, बड़ा प्रदर्शन करेंगे, और दिव्यांग कैसे चल के रोड पे जाएगा वो भी देखेंगे। दुनिया में आपकी और मेरे देश की बदनामी हो ये मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए सरकार से गुजारिश है कि इसको पर्सनली ले लिया जाए। ठीक अमित जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर, हमारे देश में भीख भी प्यार से नहीं दिया जाता। हाँ, उसमें आप 10 मांगे मांगी, सरकार क्या लगता है आसानी देती? सरकार आसानी, देखो भीख, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा कि भीख भी आसानी से कोई देता नहीं है तो मांगे कैसे पूरी करेंगे। तो मांगे पूरी करने के लिए हमें आता है, हम इसके बाद यहाँ पे सभा का आयोजन करेंगे दिल्ली में, वहां से भी नहीं हो रहा है तो मैंने बताया कि हम इतने भी दिव्यांग और विकलांग नहीं है कि हमारी उंगली ईवीएम का बटन नहीं दबा सकती,
पूरे इंडिया के परिवार को एक माला में परो के मैं यहाँ से आह्वान करूंगा। आप समझो कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम नाटा भी दबा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सत्ताधारी पक्ष को भी हटा सकता हूँ। आप समझो मेरा पक्ष से, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी से लेना, ना ही मैं भारतीय संविधान को छेड़ना चाहता हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें इन्होंने लिखा है कि दिव्यांगों को जो भी हक दिए जाए वो राष्ट्र तक सीमित कर दिए जाए। आप समझो राष्ट्र सॉरी स्टेट तक सीमित है, तो हम पे स्टेट की बाउंड्री है, तो क्या आप चाहते हैं कि हम स्टेट के बाहर ना निकले। आज मैं वर्ल्ड की काफी कंट्रियों में घुमा हुआ हूँ। आप समझो बात को, मैं तो अपने बलबूते पे घूमता हूँ। क्या दिव्यांग का जरा भी नहीं है कि वो खुली हवा में उड़े, जिसकी भी कैपेसिटी है। तो क्या आप चाहते ही नहीं हो कि वो घर में बैठा रहे। बहुत नामोशी वाली बात है, जब तक हमारे माँ बाप जिंदा है आंखों में आंसू देखे हमने, किस चीज के आंसू है कि हमारे मरने के बाद, हमारे जाने के बाद इस बिचारे लूले लंगड़े को कौन खाना खिलाएगा। आप जानते हो इस बात को, क्योंकि कोई सगा नहीं है, माँ बाप है तब तक है हमारे साथ, मरने के बाद भाई और कोई नहीं होगा सगा। तो बात यह है कि अधिकार की बात है, और हम ये कहते हैं कि हमारे सबसे बड़े भगवान और हमारे शुभ चिंतक हमारे माँ बाप है। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी इस लड़त के अंदर दिव्यांग के साथ साथ मेरे माँ बाप भी दिल्ली आएंगे, हमारे माँ बाप भी दिल्ली आएंगे, और दिल्ली आने के बाद सरकार को उसको कंट्रोल करना आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। तो मांग की बात है, मांग पूरी करने की बात है, तो हम कोई ऐसी मांग तो निकाल नहीं रहे जो सरकार के दायरे से बाहर है। हम ये कह रहे हैं कि हमें हर महीने इतना नहीं दे सकते, तो आप बिजनेस तो स्टेबलाइज कर सकते हो तहसील लेवल पे। मेरा एक और सुझाव है, मंत्रालय अलग से बनाया जाए दिव्यांगों का, जैसे एसटी मंत्रालय एससी मंत्रालय है, ऐसा एक दिव्यांगों का मंत्रालय बनाया जाए। सर मंत्रालय तो बने हुए, काम कुछ भी नहीं हो रहा दिव्यांगों के लिए। तो नहीं हो रहा, इसीलिए तो ये लड़त है, हम किससे लड़े। जिस तरीके से आपने सीट की बात की है ना, हाँ, ट्रेनों में उसी तरीके से मंत्रालय बने हुए हैं पर काम नहीं हो रहा, काम कुछ भी नहीं हो रहा। तो उसको दिव्यांग मंत्रालय के लिए दिव्यांग सेल बनाया जाए, और वो मंत्रालय को दिव्यांग सेल के अंडर में लाया जाए। यदि काम हमारा है, हमारी भावना और हमारी तकलीफ हम ही समझेंगे, आप नहीं समझोगे। आप तो यहाँ से उठ के दौड़ के मेट्रो पकड़ लोगे, आप समझो बात को, हम नहीं पकड़ पाते। तो ये जो एक दिव्यांग ही दिव्यांग की परिस्थिति समझ पाएगा। यदि ऐसा ही है तो बाकी सारे सेलों में क्यों आप पर्टिकुलर लोगों को ही बिठाते हो, जैसे एसटी सेल है तो एसटी क्यों बिठाते हो, कोई भी कौन का बिठाओ। वैसे मंत्रालय यदि दिव्यांगों का बना तो दिव्यांग बिठाओ, दिव्यांग है ही नहीं उसमें, तो क्यों नहीं है सरकार क्यों नहीं डाल रही। सरकार को गुजारिश कर रहे हैं हम, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि दिव्यांग मंत्रालय बनाए, दिव्यांग सेल उसमें इंटरफियर करेगा, और दिव्यांग सेल के ब्याह पे उसका मंत्रालय का जो भी होगा इंचार्ज है वो दिव्यांग ही होना चाहिए। इंचार्ज नहीं, पूरा स्टाफ दिव्यांग होना चाहिए। जब आप कह रहे हो कि फोर्थ क्लास में या स्टेनो या क्लर्क सब हैंडीकैप को मिले तो उनको वहां रोजगार मिलना चाहिए। एक बार सरकार हमें आगे बढ़ने तो दे, हमें पहले, हमने ये भी मांग की है, हम देखो हमने राजनीतिक पार्टियों से, हमारे प्रेस रिलीज में आप देखोगे, मांग नहीं हमारी रिक्वेस्ट है, राजनीतिक पार्टियों से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि आप दिव्यांगों के लिए भी कुछ सोचो। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे परसेंटेज के हिसाब से हमारी सीट फॉरवर्ड करो, पर हर पार्टी एक तो सीट भी यदि निकालती है तो दिव्यांग की आवाज बनेगी। यदि दिव्यांग की आवाज बनेगी, दिव्यांग केंद्र में होगा तो उसके हिसाब से वो कुछ कर पाएगा दिव्यांग के लिए। क्योंकि आज मैं दिव्यांग हूं तो यहाँ कोई दिव्यांग आएगा तो मैं खड़ा होने को मजबूर हूँ। मैं जानता हूँ कि वो गेट नहीं खोल पा रहा है इसीलिए, आप समझ रहे हो बात को, पर आप बैठे हो तो आप हाँ क्यों आए हो, नमस्कार, ये बात है। तो सर आप क्या कहना चाहते हो कि खाली दिव्यांगों के लिए ट्रेनों में सीट होनी चाहिए या अलग से डिब्बा होना चाहिए? नहीं, अलग से डिब्बा होने की बात नहीं, अलग से कोटा होना चाहिए, अलग से कोटा होना चाहिए, सीट की जरूरत नहीं है। नहीं, अलग से बोगी तो जनरल बोगी में लग रही है, हैंडीकैप का डब्बा आज से 7-8 साल से चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, पर वो आपका कहना सही है कि उसमें दिव्यांग नहीं, कई बार पुलिस वाली बैठ के सो रहे होते हैं, जी जी, वो उस हैंडीकैप को उसमें बेनिफिट नहीं मिलता है। हाँ, आपका कहना सही है। और सेकंड हैंडीकैप बोगी तो चल रही है अभी हर ट्रेनों में। हाँ, हैंडीकैप बोगी पूरी नहीं बनानी है। आप जहाँ पे देखो कि स्लीपर क्लास है या एसी क्लास है, उसमें यदि आपने एकाध सीट दिव्यांग की रख भी दी, मैं कोटे की बात क्यों कर रहा हूँ कि आप जितने भी 3 सीट हो या 5 सीट हो पूरी ट्रेन में, आप समझो बात को, उतना ही कोटा रखो, वो फिलअप हो जाए, उसके बाद दिव्यांग कहीं भी बैठ लेगा, आप समझो। पर 5 सीट का कोटा तो होना चाहिए,
मैं देखता हूँ ट्रेन पे, मुझे हर ट्रेन में 5 दिव्यांग नहीं दिख रहे हैं। कम ट्रैवल करते, क्यों कम ट्रैवल करते आप पता है? उन्हें परेशानी हो रही, वो इजीली मूवेबल नहीं। आज ट्रेन में बैठने जाते गेट पे ही, मैं तो कहता हूँ दिव्यांगों का गेट पे ही एक छोटा सा कैबिन होना चाहिए, आप समझो, वहाँ व्हीलचेयर होनी चाहिए। एक आदमी लगाओ, बेरोजगारी वैसे भी देश में बहुत बड़ी है, है? एक आदमी लगाओ, पूरे दिन में 2 दिव्यांग आएंगे, बिठा के बेचारा अपनी ट्रेन तक ले जाऊंगा। इसे व्हीलचेयर फ्रेंडली बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसकी लड़त में है, हमारे साथ है, पर आवाज नहीं पहुंच पा रही क्योंकि कोई परिस्थिति समझ नहीं। तो सर दिव्यांगों के लिए आप कब से मांगे कर रहे हैं? दिव्यांगों के लिए हम अब तक सेवा कर रहे थे, आपको हम बताना चाहते हैं। अब तक हम सेवा कर रहे थे, व्हील चेयर बांट रहे थे, दिव्यांगों को कुछ पुस्तकें चाहे तो दे रहे थे, पढ़ाई में कुछ खर्चा उठा रहे थे, ये सब था। अब हमें समझ आया कि ये सब देने से दिव्यांग दिव्यांग ही रहेगा, अधिकार की बात नहीं हो रही। इसलिए हमने 1 साल से दिव्यांग के अधिकार के लिए लड़त की है चालू, और इलेक्शन का माहौल है, और हमने इसीलिए इसको भारतीय दिव्यांग संगठन के माध्यम से अधिकार की मांग की, और ये मांग हम पूरी करवाएंगे। सर कोई डेडलाइन फिक्स की है आपने? अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो फिर उसके बाद आप कितने समय में, फिर जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में आप प्रोटेस्ट करेंगे, ये सारी चीज़? देखो दिल्ली में हम प्रोटेस्ट तो 20 दिन के अंदर करेंगे, ठीक है। हम सरकार से ये नहीं कह रहे कि कल की कल हमारी मांगे पूरी कर दी जाए, पर सरकार इतना तो आश्वासन दे हमें, आज इतनी राजकीय पार्टी है, कोई भी बाहर आके इतना तो बोले कि हम आपके साथ है, दिव्यांग के साथ, आप समझे। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी सरकार, कोई भी सत्ताधारी पार्टी, इतना तो हमें आश्वासन दे कि हम आपके साथ है, दया की भावना है, आप समझो। हम ये नहीं कह रहे कल के कल पास हो जाए बिल और ये सब सारी मांगे, नहीं, इज नॉट अ पॉसिबल, आई एम ऑल्सो एजुकेटेड पर्सन, आप समझो बात को। और इसके में बैठ के उसका डिस्कशन होगा कि ये हम कर सकते ये नहीं कर सकते, उसके बाद वो हमारी मांगे पूरी करें। टाइम का लिमिट हम ज्यादा नहीं बता रहे अभी, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे, और भी बातें अभी आगे क्या आपकी कोई ऐसी योजना भी है कि आने वाले चुनाव में जितने राजनीतिक दल हैं, हाँ, वो अपने मैनिफेस्टो में लेकर आए, आपको उनसे मिलने का कोई कार्यक्रम है? देखो मैनिफेस्टो में कोई भी राजनीतिक दल लेके आए तो हम चाहते हैं कि वोट की राजनीति ना की जाए हमारे लिए, आप समझो, वोट की राजनीति की, जैसे कोई भी पार्टी लेके आ गई कि हम सत्ता में आ गए तो आपको, तो ये राजनीति हमें नहीं चाहिए। मेरा दिव्यांग परिवार डिसाइड करेगा कि कौन किसी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार अच्छी बनेगी, हम उसको ही ये माला पहनाएंगे, ये हमारा फाइनल डिसीजन। चलो थैंक यू सर। अमित जी एक लास्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, अगर जनता राष्ट्रीय दिव्यांग संगठन को चुनती है तो सबसे पहला काम क्या होगा जनता? सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि मैं पूरी जितनी भी एमिनिटीज है सरकारी दफ्तरों में उसे व्हीलचेयर फ्रेंडली बनाऊंगा। एक बार वो जाने से घबराना बंद हो, चल के जाने से घबराता है, एक बार वो जाने से ना घबराए, उसके बाद वो अपने आप अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। चलिए ठीक है।